अच्छा आज टेस्टी है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दीव। आप पीछे देख पा रहे होंगे ये है दीव का बीच। तो गाइस सुबह के 6:35 हो चुके हैं और मैं बीच पे आया हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। जो सनराइज़ होगा वो मेरे बिल्कुल पीछे होगा सनराइज़, और वो 7:08 पे सनराइज़ होगा। तो मैं सनराइज़ कैप्चर करने आया हूँ और थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ आज का जो प्रोग्राम है, आज हम जाएँगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, और उससे पहले जाएंगे गिर नेशनल पार्क। अगर ज़्यादा समय लगेगा तो गिर को हमें मिस करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, कितने बजे हम निकलते हैं। अब मेरे दो ही डेस्टिनेशन रह गए इस ट्रिप के, एक तो गिर और दूसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आज हम करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और इस बीच का मज़ा लीजिए। अभी सनराइज़ होगा, मैं कैप्चर करूँगा। वी आर रेडी टू राइड, लेकिन उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और नहा धो के हम तैयार हो गए हैं, कपड़े पैक कर दिए हैं। जस्ट अभी एक बाइक में हमने रखने हैं, तो पहले हम नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे। हाफ एन आवर लगेगा हमें सब क्लियर करने में, तो चलते हैं। वी आर रेडी टू राइड। हम हैं प्रभात बीच रिसोर्ट पे, ये देखिए सामने है, सब कुछ पैक हो चुका है। तो अब हम निकल रहे हैं राइड पे। जय शंकर के, जय महादेव, जय भोले की। तो निकल पड़े हैं हम अपने सफर पे, और हमारा आज का सफर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और हो सकेगा तो गिर के जंगल को भी एक्सप्लोर करेंगे। और कल यहाँ पे खूब एंजॉय करे, खूब मस्ती करे, खूब वाटर स्पोर्ट्स करे हमने। और ये आ गया दीव एयरपोर्ट, दीव का हवाई अड्डा। ये सामने है दीव एयरपोर्ट, आप देख पा रहे होंगे, और हमने जाना है बिल्कुल स्ट्रेट दीव सिटी की तरफ। राइट हैंड पे डायनासोर पार्क है, आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो गाइस अभी फर्स्ट जो हमारा ब्रेक है वो खंबा, जो हमारा एक फ्रेंड है प्रवीण लील, मेरा सब्सक्राइबर है, लास्ट ट्रिप पे 2018 में हमें मिला था जब हम वहाँ रुके थे चाय पानी के लिए। तो भाई तब से हमारे साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में हैं। तो भाई ने स्पेशल बोला कि मेरे पास आना है, तो अभी हम पहले जाएंगे खंबा उनके पास, और वो ही हमें गिर लेके जाएंगे, बोल रहे थे मैं लेके जाऊंगा। तो देख लीजिए साफ सुथरा ड्यू, बहुत ही खूबसूरत ड्यू है, और यहाँ सीएनजी भी आई हुई है, IRM सीएनजी मरमेड है। ऐसे ऐसे चौक पे बहुत सारे स्टैचू बने मिलेंगे। गोगला बीच लास्ट टाइम गए थे हम, दीव सिटी गोगला बीच लास्ट टाइम हमने बहुत ही एक्सप्लोर किया है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं गोगला, और मेरे राइट हैंड पे है गोगला बीच। लास्ट टाइम जब 2018 में आए थे तब हम इस बीच पे काफ़ी मस्ती करी थी, खूब वाटर स्पोर्ट किए थे हमने। लास्ट टाइम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट किए थे, इस बार हमने नौगांव में किए। ये इस तरफ है गोगला बीच पूरा, और कुछ ही देर में हम दीव को छोड़ के गुजरात में एंटर कर जाएंगे। ये आगे गेट आएगा, वहाँ से हम एंटर कर जाएंगे गुजरात में। थैंक्स टू विजिट अगेन। और यहाँ पे बाउंड्री ख़त्म होती हुई दीव की, और हम गुजरात में एंटर कर रहे हैं, और हम आ चुके हैं गुजरात वापसी।
अभी हम हैं खंबा विलेज, जो कि हमारे रूट इन रूट पे था। तो यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है, जो 2018 में हमसे मिला था यहाँ पे, तब से हमारे टच में है। तो वो अभी मिलने आ रहे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। ये हीरो का शोरूम है पीछे खंबा में। तो अभी इनके घर जा रहे हैं, चाय का इंतज़ाम किया है, तो चल के चाय पानी पीते हैं, फिर आगे चलेंगे जंगल में। तो ये है प्रवीण भाई का घर, और ये पीछे पिजन कबूतर। नमस्कार, ठीक हो? और तो गाइस, अभी हम हैं प्रवीण भाई के घर पे। ये इनका घर है, खंबा विलेज में हम, और इन रूट पड़ता है। हम जा रहे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, और बीच में गिर जंगल भी जाएंगे, लेके जाएंगे प्रवीण भाई। तो वहाँ पे कोशिश करेंगे शेर देखने की। तो यहाँ से नज़दीक है इनका जंगल। तो ये मैं दिखा देता हूँ, इनका घर बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखा है। ये देखिए, ऊपर बहुत ही प्यारा घर सजा रखा है इन्होंने, ये पूरा। और ये देखिए, ये झूला है, ये झूला है इनका। और ये देखिए कबूतर, यहाँ कबूतर हैं। ये देखिए कबूतर पाले हुए हैं भाई ने, जानवरों के लिए अलग से बना रखा है। भाई के पास है बाइक, सुजुकी मैक्स 100R। ये तो आती भी नहीं होगी, हैं? बनती भी नहीं होगी ये तो। हाँ, बनती नहीं है, इसको नहीं मिलता। तो गाइस, अभी हम जस्ट चाय वगैरह लेके फिर निकलेंगे जंगल की ओर। आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ। ये है गुजराती कटोरी, इसमें चाय दी जाती है यहाँ पे। तो ये गुजराती स्टाइल है चाय पीने का, गुजरात में ऐसे चाय दी जाती है। और अमित भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है यार, ये जो चाय वाला के साथ मेरा एक फोटो भी करना। और ये शायद हम पहले गांव में ऐसे ही पीते थे, एक नीचे वो मिलती थी प्लेट और ऊपर एक कप, कप से चाय इसमें डाल डाल के हम पिया करते थे। ये प्रवीण भाई की मदर, ये उनके बड़े भाई की बेटी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सजा रखा है घर में, ये झूला। और ये सवारी गाड़ी है, यहाँ पे बहुत चलती है, पूरे गुजरात में ये चलती है, बहुत बहुत ही मस्त बनाई हुई है। ये डीजल इंजन है रॉयल एनफील्ड का, हम पंजाबी में भूंड कहते हैं ना, पीछे सवारी बैठाई जाती है। और ये देखिए आगे से क्या कर रहे हैं, है चलो चल, तू यहीं है, रुकेगा? नहीं, मैं वाड़ी पे जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, नहीं हम अब चल सीधा जाएंगे हम, नहीं अब जाएंगे, भागेंगे। चलो ठीक है, ओके बाय। तो गिर के जंगल में हम एंटर कर रहे हैं दोस्तों, और ये है गिर का जंगल। और ये प्रवीण के बड़े भाई हैं, जो हमें लेके जा रहे हैं शेर के पास, शेर दिखाने, एशियन लॉयंस, जो कि गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। मैंने कई बार देखा कि ये गांव में भी आ जाते हैं, इतने खतरनाक नहीं है, ये ह्यूमन पे अटैक नहीं करते। अभी हम नीचे उतर गए हैं एक जंगल की तरफ, साथ में ये खेत भी हैं, यहाँ पे खेती भी होती है। ये सामने खेती हुई पड़ी है, और ये पूरी ऑफ रोडिंग है इस समय। शेरों को ढूंढ रहे हैं हम, शेरों के पास जा रहे हैं, और लक अच्छा रहा तो हमें ज़रूर शेर देखने को मिलेंगे। ये सामने जंगल है, ये गिर का जंगल है, अभी हम यहाँ चलेंगे, पैदल जाना पड़ेगा हमें। यह है कपास की खेती, ये पूरे खेतों में कपास की खेती हो रही है। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई के बड़े भाई आप? हाँ, लाल जी। लाल जी, बहुत बढ़िया भाई। गाइस, अभी हम घूम रहे हैं जंगल में, ये चारों तरफ देखिए, यह है जंगल का एरिया। और शेर की तलाश में हम, कहीं शेर हमारी तलाश में बैठा हो। यहाँ भी भैंस है। हाँ, वो भैंसे हैं, जान करके भैंस खिला देते हैं उनको ना, जब बूढ़ा हो जाती है। बूढ़ा हो जाती है। ये शेर का पांव है, ये शेर का पैर है, ये शेर के पंजे के निशान हैं। हाँ। तो ये जो निशान है खतरनाक था, इतना बड़ा वो वाला। पर आधे घंटे से, हाफ एन आवर हो गया हमें शेर को ढूंढते हुए, लेकिन वो शर्मा के कहीं छुप के बैठा भाई। चलो ढूंढ के ही मानेंगे हम भी। देखो कोई दिखता है चलता हुआ, इधर इधर चलो, चलो चलते। रख रख, शेर को ढूंढने की कोशिश, उनकी आवाज निकाल के, कुछ आवाज निकाल के। रख, रख, रख। भाई को लग रहा है कि ये शेर कहीं आसपास ही है,
और आवाजें निकाल निकाल के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन झाड़ियों में कहीं हैं बता रहे हैं। ये जंगल के बीच में हमें लेक मिली है कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, लंच टाइम है इनका, और ये भैंसों को चराने आते हैं। ये पूरे भैंसे हैं तो ये पानी पिलाने आते हैं और ये खाना खिलाने आते हैं। शेर इधर है, मैं आपको दिखाऊं। ये क्या लस्सी है? ये क्या छाछ? ये दूध। दूध है, दूध है। ये दूध और ये सब्जी? हाँ, ये सब्जी। किस चीज की सब्जी है? ये रिंगने के। रिंगने की? अच्छा। और बाजरे की रोटी है या आपके? अच्छा, वो बाजरे की रोटी। ये बाजरे का? हाँ, बाजरे का। कोटिंबे की काजरी है? कोटिंबा। कोटिंबा ऐसे खाते हैं? हाँ, खाते। खाओ खाओ, ले जाओ। टेस्टी है। अच्छा जी, ओके बाय, थैंक यू। अब बहुत बुरी हालत, थक चुके हैं। 2 घंटे से हम घूम रहे हैं जंगल में। पहले वहाँ पे थे उस पहाड़ी पे, अब और ऊंची पहाड़ी पे आ गए हैं। ये देखिए, वो सबसे ऊंची पहाड़ी वो है सामने, और ये इस जंगल में ही शेर है, लेकिन कई मूवमेंट दिख नहीं रही उसकी, और उसके पीछे खेत है सारे, और ये जंगल है। ये मॉर्निंग में स्पॉट किया गया था एक जगह पे, लेकिन वहाँ से पैरों के निशान हैं, लेकिन अभी वो वहाँ से जा चुका है। अब देखो, चांस तो कम ही लग रहे हैं, बिल्कुल धूमिल हो चुकी है उम्मीद। चलो ट्रैकिंग होगी, जंगल ट्रैकिंग। 1 घंटा और हम देख रहे हैं, फिर चलेंगे आगे। तो गाइस, अभी हम जंगल में घुमाए हैं और हमें तो शेर मिला नहीं, शेर हमसे डर के भाग गया है। 2 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए शेर, और हमें यहाँ पे आए लगभग 3 घंटे हो गए। 10:30 आ गए थे हम, और अब हम निकल रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं। तो अब हम आगे अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए निकलेंगे। 9:30 घंटे की राइड दिखा रहा है गूगल, और 409 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी कवर करना है। 3 बज चुके हैं, पूरे 3 बज चुके हैं। और ये एक स्टेट हाईवे आ गया है। स्टेट हाईवे की तो हालत हमेशा ख़राब रहती है, बहुत ख़राब रहती है। 7.5 आवर की राइड हमारी और दिखा रहा है गूगल, और मोर देन 350 किलोमीटर और जाना हमने। बस 2 दिन की राइड हो रहेगी हमारी, कल और परसों की। आज 4 तारीख है, हमारी राइड का डे 7 है, और कल डे 8 होगा। कल हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि मैं लास्ट टाइम भी गया था, लेकिन जब बिल्कुल 1 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ था, उस टाइम जब मैं गया था 2018 नवंबर में। गाइस 6 बज चुके हैं शाम के, और अभी मैंने आपको सनसेट दिखाया था, और हम ये जगह कौन सी है? ये बरमाड़ा पता नहीं, बरमाड़ा है गुजरात में। और अभी हमने टी ब्रेक लिया है 6 बजे, कंटिन्यू हमने नॉन स्टॉप बाइक चलाई है 3 बजे से ना, 3:30 से 2.5 घंटे से लगातार नॉन स्टॉप हमने बाइक चलाई। टाइम लग गया, हमने ध्यान भी नहीं दिया, और हम जज्बाती हो गए थे, क्योंकि लायन देखने बहुत ज़्यादा दिमाग में शुरू है। भाई को बोला भी था, अवॉइड करते हैं, 2 घंटे में वापस भी निकल सकते थे, अवॉइड करते हैं। फिर वो थोड़ा उसने माहौल भी ऐसा बनाए रखा कि हमको लगा शायद मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है, ट्रैकिंग होगी हमारी जंगल की। और हालांकि वो मतलब बहुत दिल से था कि लायन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़े। गूगल दिखा रहा रात को 12 बजे पहुँचने का, लेकिन उससे पहले कहीं रुकना पड़ेगा हमें, देखते हैं कहाँ रुकते हैं, आपको अपडेट कर देंगे। तो गाइस 273 किलोमीटर अभी और भी डिस्टेंस है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का, और 5 आवर 48 मिनट्स गूगल भाई दिखा रहे हैं, और 12:20 का टाइम बता रहे हैं कि 12:20 पे रात को पहुँचेंगे हम। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अभी हमारा, क्योंकि
हमारे 3 to 4 आवर हमारे वहाँ पे जो गिर में हमने जो एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ कर लिए थे, उस वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। पेट्रोल भरवा लेते हैं, अभी 2 पॉइंट रह गए हमारे। अभी भी 5.5 आवर्स की राइड बची हुई है। तो गाइस, अगर आपको तुलसी गिर में ट्रैकिंग करना है, जंगल ट्रैक लॉइन देखना है, तो उसके लिए आपको फुल डे चाहिए भाई। हाँ, शाम के समय शेर दिखाई देते, दिन में तो कहीं छुप के बैठ जाता है ड्यू टू गर्मी धूप, इसलिए मोस्टली शाम के टाइम जब पानी पीने आता है तालाब के आसपास बैठ जाओ, वहाँ पे दिखाई दे जाता है। देखो भाई लोग, गूगल ने हमें कहाँ कौन से खड्डे में डाल दिया है, गांव की एक गली में, और रोड देख लो, रोड है नहीं। तो अभी भी 190 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, 4 आवर का टाइम और पहुंचने में। तो 12 बजे से पहले तो हम नहीं पहुंचते, अगर हम नॉन स्टॉप चले तब, और अगर कुछ खाना पीना खाए तो सोच लो एड ऑन हो जाएगा जितना टाइम हम खाना पीना खाएंगे। अभी हम हैं सुजित्रा में, और ये गुजरात का सिटी है कोई। समय पूरे 9 बज चुके हैं और 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। राजपिपला स्टैचू ऑफ यूनिटी है, राजपिपला से जस्ट 1/2 आवर है। तो जो भी स्टे है, मोस्टली लास्ट स्टे है वो राजपिपला में है। जो जब मैं 2018 में आया था तब भी मैं राजपिपला में ही रुका था। तो अभी कर रहे हैं हम डिनर, और इसके बाद सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे राजपिपला। टाइम अभी 9:30 बज चुके हैं रात के, और हम पहुँचेंगे लगभग 12:30 बजे जो गूगल हमें दिखा रहा है, और 139 किलोमीटर का और डिस्टेंस तय करना हमने सफ़र। अंधेरा है और अंधेरे में बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि खड्डे बहुत हैं यहाँ, लाइट जल पड़ी है, फॉग लाइट, हमारे हमने फॉग लाइट लगा रखी है। तो गाइस, वी आर रीच्ड इन राजपिपला, और समय हुआ है 11:40। प्रदीप, तो गाइस एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं राजपिपला में, और हम लगभग 11:45 पे पहुंच गए थे यहाँ पे, और हम हैं अपने राइडर भाई के घर धीरेन भाई के पास। धीरेन भाई, अपने आप बताएंगे अपने बारे में। हाय, मेरा नाम धीरेन राणा है, हम आए ऑल्टो राइडर। अभी ये लोग आएंगे तो इनको थोड़े मजे कराएंगे। तो भाई राजपिपला में रहते हैं और राइडिंग करते हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम मिले हैं, और फर्स्ट टाइम ही भाई ने हमें रूम दिया है, हॉस्पिटलिटी पूरी कर रहे हैं, और दिल से यार बहुत शुक्रिया यार आपका। तो आज हम अभी भाई के घर पे ही हैं, और कल का हमारा प्रोग्राम है, कल हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, और जंगल सफारी भी है वहाँ पे। हाँ, जंगल सफारी करेंगे, फूलों की सैर वगैरह। हाँ, फ्लावर वैली और डैम भी है, नर्मदा डैम। ये 4-5 हम चीजें एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम वापसी फिर दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अगर गाइस ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना भाई, और आज का डे हमारा 7 है, और हम आज यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। तो राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, और जय हिंद।